हाल ही में फिल्म जजमेंटल है का एक प्रमोशन इवेंट के दौरान फिल्म के लीड हीरोइन कंगना रनौत की एक पत्रकार के साथ तीखी बहस हो गई। मामला इस कदर तूल पकड़ गया कि एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ने कंगना की मीडिया कवरेज ना करने और उनका बॉयकॉट करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, गिल्ड ने फिल्म के प्रोड्यूसर और कंगना से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा। इस पूरे मामले पर फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने माफी मांगी और इवेंट के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए खेद जताया। एकता के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म से इस संबंध में एक स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट में लिखा है, 7 जुलाई 2019 को फिल्म के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर फिल्म की एक्ट्रेस और पत्रकार के बीच जो कुछ भी विवाद हुआ उसे लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। ना चाहते हुए भी इवेंट का माहौल तनाव पूर्ण हो गया। जो कुछ भी हुआ वह कंगना और उस पत्रकार के बीच था और उसे लेकर उनके अपने अपने विचार थे। चूँकि हम फिल्म के प्रोड्यूसर है इसीलिए इस पूरे विवाद के लिए हम माफी मांगते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें खेद है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी फिल्म जजमेंटल है क्या 26 जुलाई को रिलीज होने जा रही है और मीडिया से गुजारिश करते हैं कि इस मामले की वजह से फिल्म टीम की मेहनत को बेकार ना जाने दिया जाए। बता दें कि सॉन्ग लॉन्च इवेंट के दौरान जब कंगना और पत्रकार के बीच कहासुनी हुई तो उस वक्त एकता कपूर और फिल्म के लीड हीरो राजकुमार राव भी मौजूद थे। जब माहौल गर्मा गया तो एकता और राजकुमार राव ने माफी भी मांगी थी। इस पूरे विवाद पर गिल्ड ने एकता कपूर को एक लेटर भी सौंपा था जिसमें उन्होंने कंगना के बर्ताव को गलत ठहराया था और एकता व एक्ट्रेस के सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगने के लिए कहा था। इसके लिए गिल्ड ने मंगलवार को एकता कपूर के साथ बैठक भी की थी। बता दें कि जजमेंटल है क्या के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर कंगना और एक रिपोर्टर के बीच तीखी बहस हो गई। एक रिपोर्टर ने जब कंगना से सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने रिपोर्टर और उनके खिलाफ कैंपेन चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह रिपोर्टर ने मणिकर्णिका के समय कंगना के बारे में काफी कुछ बुरा भला लिखा था। हालांकि रिपोर्टर ने कंगना के इस दावे को खारिज कर दिया जिसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर भी लोग कंगना के खिलाफ उतर आए थे। आपको क्या लगता है कंगना के बिहेवियर के बारे में? क्या उसे माफी मांगनी चाहिए मीडिया फ्रेटर्निटी से? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए।